क्राइम टीम ने एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें हम लोगों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 5 लोग जो है उसमें मेन जो है एक्यूज उसका नाम राजेश है, वो तमिलनाडु का रहने वाला है, और उसके साथी जो है उसमें राघवेंद्र, 2 भास्कर है। ये 5 लोग मिलके ये रैकेट चला रहे। इनके पास से हमें तकरीबन 16 पॉइंट ऑफ सेल मशीन, एक लैपटॉप, कई सेलफोन्स और 2 लाख रुपीज कैश हमें मिला है। बेसिकली ये लोग जो है वो डार्क नेट जरिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का डेटा वो लोग परचेस कर रहे हैं, और बाद में वो डेटा इस्तेमाल करके एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम कार्ड रीडर और राइटर है। उस डिवाइस के मदद से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का नंबर अपने कार्ड में वो लोग डुप्लीकेट करके वो कार्ड पे जितना बैलेंस है वो बैलेंस का मनी ये लोग आपस में बांट रहे। तो इसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो दे रहा है उसको भी पैसा जा रहा है, डार्क नेट से जो डेटा खरीद रहे उसमें ये पैसा दे रहे, और बाकी पैसा ये जो है वो आपस में बांट रहे। तकरीबन अभी तक इन लोगों ने 30 लाख रुपए तक इंटरनेशनल कस्टमर्स को धोखा दिया है, जो खासकर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर्स है। और फॉरेन कंट्रीज में कार्ड जो है वो पक्का सिक्योर रहता, कार्ड में अगर मिसयूज भी हो गया अमाउंट का तो इंश्योरेंस रहने के कारण वो लोग कंप्लेंट नहीं करते, उसी का ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है जिसका मिसयूज हो रहा है करके एक स्पेसिफिक कंप्लेंट हमें आई, तो उसके बाद हम लोगों ने पूरी तहकीकात करके हमारे एसओटी टीम और साइबर क्राइम टीम ने ये रैकेट का अभी भंडाफोड़ किया है। अदरवाइज ये जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं, खासकर राजेश और राघवेंद्र, ये आईटी इंजीनियर्स है, ये काफी एक्सपर्ट लोग है और बहुत सीक्रेट से ये लोग ये रैकेट चला रहे हैं। सर, ये लोग के कोई प्रीवियस केसेस है सर? अभी नहीं, पहली बार ही। चेन्नई, राजेश तमिलनाडु का, यहाँ पर काम कर रहे थे एक्चुअली। ये नहीं, ये राजेश और इन लोगों की सोशल मीडिया पे पहचान हुई। अच्छा, हाँ, पूरे सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जुड़े हुए। सर, इंटरनेशनल कार्स का अभी तो ये रैकेट बस्ट हुआ, अभी ये लोग विद इन इंडिया भी ऐसे ही? विद इन इंडिया में अपना सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है, इमीडिएटली अपने को इधर साइबर क्राइम सेल को या हर एक बैंक का हेल्पलाइन है, उनको कंप्लेंट आ जाता और बैंक वाले भी इमीडिएट कार्ड ब्लॉक कर देते। जो ये लोग वेबसाइट और ऐप से यूज करें, उसको साइबर क्राइम क्या एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? अभी डार्क नेट वो है, उसके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट जो बाकी ऐप वगैरह जो ओपन सोर्सेस बोलते हैं, अगर उसमें मिसयूज हो रहा है तो